हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबकी ज़रूरत है और काफ़ी दिनों का इंतज़ार भी है कि आप लोग RFP का इंतज़ार कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट में। तो जैसा कि लास्ट हमारे उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना की तरफ से कमिट किया गया था कि स्टार्टअप के लिए RFP निकालेंगे, तो वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और आप सबके पास जो है RFP आ चुकी है। तो आज हम थोड़ा सा उस RFP के बारे में आप सबको बताना चाहते हैं। तो हम चलते हैं UPSDM की साइट पे, आप सब खोल सकते हो, नॉर्मल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंत्री साहब सामने हैं और डायरेक्टर साहब हैं, और इनकी वेबसाइट पे हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे की तरफ चल के देखेंगे। ये हमारे पास एक पॉपअप क्लिप हो रहा है, 18 जून का है, आपका RFP है स्टार्टअप के लिए। इन्होंने स्टार्टिंग में साफ साफ लिख दिया है स्टार्टअप ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए है और लास्ट डेट इसकी 6 फरवरी दी गई है। तो आप सभी के सामने है RFP। RFP में कुछ जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा और आप सभी लोग उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर आप बताइए कि क्या ये RFP स्टार्टअप के लिए है, क्या ये जो RFP निकाली गई है ये सही है। एक जो ट्रेनिंग पार्टनर पिछले 4 सालों से इंतज़ार कर रहा हो, क्या उसके लिए ये RFP है? तो ये आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ आपको डिस्क्राइब कर देना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके फ्रंट पेज पे ही दिया गया है, इनका UPSDM का नाम है, इनका एड्रेस दिया गया है, RFP नंबर दी गई है, आप सब देख सकते हो, इनकी मेल आईडी है। इन्होंने बोला है पब्लिकेशन डेट आपका पब्लिश जो हुआ है 17 जनवरी को हुआ है पब्लिश, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 6 फरवरी है टिल 5 PM। देख सकते हैं इन्होंने सबसे पहला आपको इंटेंशन बताया है कि क्या है, कैसे है। RFP इन्होंने 2023 के लिए दिया हुआ है, 6 तारीख लास्ट डेट है, इन्होंने आपको ब्लैक में सब क्लियरली बता रखा है। दूसरी चीज़ है इनकी RFP की कॉस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ RFP इज़ 5000, जो कि पहले 10000 थी, अभी 5000 कर दी। ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है, इससे हम लोगों को जितने ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको थोड़ी आसानी होगी। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दे रखा है, आप सब अपना अकाउंट इनके अकाउंट नंबर में 5000 रुपये डाल सकते हो, ठीक है, किस लिए? RFP सबमिट करने के लिए, वो भी 4 साल बाद, ठीक है। फिर आते हैं RFP आपका 30 दिन में, इन्होंने लिखा है कंसर्न फॉर वर्क है विद इन 30 डेज ऑफ साइन ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन करने के 30 दिन के अंदर आपको ये काम दे देंगे, ये इन्होंने अपना सब डिस्क्राइब किया हुआ है। दूसरी मेन चीज़ है आपके समझने वाली कि इन्होंने बोला है कि 50000 रुपये आपकी EMD कॉस्ट जाएगी, 50000, जो कि ये थोड़ा सा ठीक भी है एक मामले में, जैसे लास्ट इनकी RFP 2021-22 की जो आई थी उसमें EMD इन्होंने अर्नेस्ट मनी जो थी 1 लाख रुपए मांगी हुई थी, अभी इन्होंने इसको कम करके 50000 रुपये कर दिया है, जो कि अच्छा है स्टार्टअप्स के लिए कि स्टार्टअप जो कर रहा हो, जो स्किलिंग में स्टार्टअप के लिए हो, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने कम कॉस्ट में वो आपके साथ जुड़ भी सकता है UPSDM के साथ, और साथ ही साथ अपने सेंटर के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए, सेंटर को चलाने के लिए वो अलग से मनी को एडजस्ट करके यूज़ कर सकता है। दूसरा इन्होंने बोला हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेक्टर्स ऑल UP हाउ एवर द स्टार्टअप में बी सबमिट प्रपोजल ओनली द वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एंड में ओपन 2 सेंटर्स इन द गिवन डिस्ट्रिक्ट। अब इनका कहना है कि पूरे UP में आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर आप खोल सकते हो। पहले ये बाउंडेशन नहीं थी, इनका था कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर सकते हो, पर डिस्ट्रिक्ट 2 लाख रुपए आपका एज अ सिक्योरिटी मनी ये जमा करते थे बैंक गारंटी, पर इन्होंने आपकी ये बोल दिया है कि आप पूरे UP के किसी वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ओपन 2 सेंटर्स इन अ गिवन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। द स्टार्टअप वुड बी अलाउड टू टेक अप ट्रेनिंग इन 2 जॉब रोल्स अप्रूव्ड बाय द कंसर्न सेक्टर स्किल काउंसिल, और आप 2 जॉब रोल में काम कर सकते हो जो सेक्टर स्किल काउंसिल या फिर NCVET की तरफ से बनाया गया हो, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, जो सबसे बड़ी चीज़ है इस RFP को अच्छा और बुरा बनाने वाली,
ये डिसाइड आपको करना है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है या बुरा है, मेरा काम है आप तक ये जानकारी देना और आप ये डिसाइड करें कि क्या ये ट्रेनिंग पार्टनर्स को ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है या फिर ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने की प्लानिंग चल रही है। तो जैसा कि आपको साफ साफ मेंशन है PVG, ठीक है, यानी कि बैंक गारंटी जो इन्होंने मांगी है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, इन्होंने दो कैटेगरीज को वो डिवाइड कर रखा है ट्रेनिंग पार्टनर्स को। सबसे पहली कैटेगरी है इफ़ द टारगेट डिमांड अप टू 500 ट्रेनीज नीड टू सबमिट PVG ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख, अगर आपको 500 ट्रेनिंग्स मतलब ट्रेनिंग को आपको 500 ट्रेनीज की ट्रेनिंग देनी है एक डिस्ट्रिक्ट में, दो सेंटर मैक्सिमम खोल के, दो जॉब रोल का, तो आपको ₹50 लाख देना पड़ेगा एज अ बैंक गारंटी, ठीक है। दूसरा कैटेगरी भी दिया है इफ टारगेट डिमांड अप टू 2500 ट्रेनीज, अगर आपको 250 ट्रेनीज की डिमांड कर रहे हो आप तो नीड टू बी सबमिट PVG ₹25 लाख। ₹25 लाख आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। अब दोस्तों आप ये बताइए कि जिस बंदे के पास या जिस ट्रेनिंग पार्टनर के पास ₹50 लाख और ₹25 लाख एज अ DD देने के लिए होगा तो क्या वो स्टार्टअप कंपनी होगी, सबसे पहली चीज। और अगर वो ₹25 लाख या ₹50 लाख DD के रूप में UPSDM को सबमिट कर देता है तो क्या वह सेंटर बनाने के लिए उसके पास पेमेंट होगा? कुछ लोगों के पास हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सबके पास नहीं होगा, लेकिन जैसा कि RFP में मेंशन किया गया है कि ये स्टार्टअप्स के लिए RFP आई हुई है, तो मैं यही गवर्नमेंट से और पूछना चाहता हूं और आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह जायज है या फिर ये प्लान ऑलरेडी हो चुका है कि जो छोटे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं या छोटे कंपनीज या ट्रस्ट सोसाइटीज हैं जिनके पास ये 25 लाख और 50 लाख का एसेट नहीं है DD के रूप में देने के लिए, तो वह क्या काम नहीं कर सकती? ठीक है, ये डिसीजन आपका है। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है UPSDM, ये है RFP, ये इन्होंने अपना सब दे दिया। कंसर्न पर्सन है मिस्टर श्री राजीव कुमार यादव जी, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनका फोन नंबर दिया है और मेल ID, आप कंसर्न कर सकते हैं, पर ये लोग फोन नहीं उठाते हैं। बाकी ये आपके ऊपर है, हो सकता है उठा भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैंने कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं है। स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर मीन्स एन एजेंसी विल बी कंसीडर एन स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर इफ एजेंसी हैव 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्किलिंग एंड एजुकेशन, एटलीस्ट 25 लाख ऑफ टर्न ओवर एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टार्टअप कंपनीज ये उनको प्रमोट कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में उनका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, ठीक है। दूसरी चीज है जिसका एटलीस्ट 25 लाख का टर्नओवर हो। थर्ड थिंग इन्होंने पूछा है, कहा है कि जिसके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो इन स्किलिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज है एजुकेशन में, मैं आपको क्लियर कर दूं, एजुकेशन में स्कूल और कॉलेजेस, ITI, पॉलिटेक्निक, इनको भी इन्होंने शामिल किया हुआ है। और स्किलिंग, जैसे कि प्रॉपर स्किलिंग की जो ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग पार्टनर्स, ये उनकी बात कर रहे हैं। और एटलीस्ट 25 लाख का टर्नओवर होना चाहिए जो कि आप अप्लाई करना चाहो तो, ठीक है। और रजिस्टर्ड ऑफिस जो सबसे बड़ी चीज़ है, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, ठीक है। अभी आप दोस्तों बताओ जो कि स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर होगा, ठीक है, मैं ये स्कूल कॉलेजेस को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर प्रॉपर स्किलिंग में काम करता होगा और लास्ट 2 ईयर आपको भी पता है कोविड के बाद से ऑलमोस्ट किसी के पास स्किलिंग के टारगेट नहीं आए हैं। अगर सेंट्रल RFP की मैं बात करूँ, NSDC की, तो NSDC पिछले 3 सालों से कोई टारगेट, कोई RFP नहीं दी है। 2 बार RFP निकली है, दोनों बार कैंसिल हुई है। इवन UPSDM की मैं बात करूं तो UPSDM ने भी लास्ट RFP दी, लेकिन उसको 1 साल होल्ड करने के बाद कैंसिल कर दी, जिसका अभी तक कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया गया है कि वो RFP कैंसिल हुई है या नहीं कैंसिल हुई है। ना पर्टिकुलर कोई मेल किया गया है किसी कंसर्न TP को, और ना ही उन्होंने कोई भी आधिकारिक रूप से अपनी वेबसाइट पे अभी तक घोषणा की है, ठीक है।
नेक्स्ट, खैर ये तो बात की हो गई, द प्रोग्राम वुड बी टारगेट टू प्रोवाइडर एम्प्लॉयर ट्रेनिंग कैंडिडेट्स UPSDM, ये ठीक है। द स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट्स मोबिलाइज ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड मोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ UPSDM एज अ रिलेवेंट गाइडलाइन, ठीक है। आपको इसमें बच्चों का इंपैनलमेंट कराना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, जो स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू कैंडिडेट मोबिलाइज, आपको बच्चों को मोबिलाइज करना है, ट्रेनिंग देना है और उनको प्लेसमेंट देना है। देन पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग अंडर ओवल आपका सुपरविजन UPSDM, जो कि UPSDM के सुपरविजन में होगा, UPSDM सब में, ये ठीक है। अभी इसमें आपके पास जो पॉइंट्स निकल के आ गए आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इनकी और कुछ चीज़ें जो कि आपका फुलफिल कैसे हो सकता है, कहाँ पे फॉरफिट हो सकते हो आप। अभी तो हम लोगों ने ये चीज़ मेंशन किया है कि 25 लाख 50 लाख देना है, ठीक है, कैसे क्या करेंगे आप, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं EMD पे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। आपका लिखा है एवरी एप्लीकेंट पार्टिसिपेटिंग इन बिडिंग प्रोसेस मस्ट बी फर्निश द रिक्वायर्ड अर्नेस्ट मनी टू SC5 नोटिस इन्विटेशन, ठीक है। आपको जो भी आप लोग RFP लगा रहे हो उसमें से 50,000 रुपये आपको अर्नेस्ट मनी देनी है इन फेवर ऑफ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट, पेबल एट लखनऊ, ठीक है। इस नाम से आपकी वो बनेगी DD, ठीक है। आपका है रिफंड ऑफ EMD, द EMD ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट शैल बी रिफंडेड विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ इनपैनलमेंट प्रोसेस, हाउ एवर इन केस ऑफ सच ऑफ एप्लीकेंट द लेटर में रिक्वेस्ट द रिफंड ऑफ EMD ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। भाइयों आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, जो ये आपसे 50,000 रुपये की DD ले रहे हैं वो आपकी EMD इनके कहने के अनुसार आपका रिफंड हो सकता है कब, 30 दिन ऑफ कंप्लीशन ऑफ इनपैनलमेंट प्रोसेस। अगर आपकी कंपनी इनपैनल नहीं होती है तो यह उसके 30 दिन बाद कंप्लीशन ऑफ इनपैनलमेंट प्रोसेस, हाउ एवर इन केस ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट द लेटर में रिक्वेस्ट ऑफ रिफंड ऑफ EMD, ठीक है, ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। जब आप वो 25 लाख और 50 लाख रुपए परफॉर्मेंस गारंटी जो है आपकी बैंक गारंटी वो आप जमा कर दोगे तो आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। दूसरा ये कह रहे हैं द EMD ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट, जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट है शैल बी रिफंडेड विद इन 30 days, ठीक है, वो आपको 30 दिन के अंदर आपको वापस करके दे देंगे। पर ये सिर्फ कहते हैं, वापस नहीं करते हैं। इसके उदाहरण कई सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, कई ट्रेनिंग पार्टनर्स लोग कंप्लेन भी कर चुके हैं पिछले 1.5 साल से, जो लास्ट RFP इन्होंने सबमिट की थी जुलाई सितंबर या इस टाइप के था जो लास्ट इनकी RFP आई थी, इसकी अभी तक ना इन्होंने कैंसिलेशन की कोई नोटिस दी है और 1 लाख रुपए जो EMD इन्होंने जमा कर रखी है वो आज तक वापस नहीं कर ली है। और इस टाइम को हो गया है 1.5 साल के ऊपर की बात हो चुकी है, तो आप इसको थोड़ा सा आप लोग माइंड कर लीजिएगा कि भाई आपको लगाना है, आपका पैसा है और सबसे बड़ी चीज़ है इसका आपको कोई ब्याज नहीं मिलना है। बैंक में आप रखोगे तो उसका ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ये साफ साफ कहते हैं कि वो ब्याज आपको नहीं देंगे। और दूसरी चीज है फॉरफिटिंग ऑफ EMD, द EMD टेकन फ्रॉम द एप्लीकेंट शैल बी फॉरफिटेड इन द फॉलोइंग केस, और ये जो आपकी EMD भी है इसको फॉरफिट भी वो कर सकते हैं, यानी कि उसको जब्त भी कर सकते हैं कब, अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करते हो। क्या क्या इन्होंने दिया है, द ट्रेनिंग प्रोवाइडर डज नॉट स्टार्ट ट्रेनिंग विद इन 90 days, अगर आप 90 दिन के अंदर ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट करते हो तो आपके पैसे गए, ठीक है। दूसरा है व्हेन द एप्लीकेंट डज नॉट साइन द एग्रीमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 7 working days ऑन इशू ऑफ लेटर ऑफ LOI, लेटर ऑफ इनविटेशन, अगर आप एग्रीमेंट इनसे MOU साइन कर लेते हो और उसके द एप्लीकेंट डज नॉट साइन, अगर आप 7 दिन के अंदर इनसे MOU साइन नहीं करते हो आफ्टर इनपैनलमेंट, तो ये आपका जो EMD है वो खत्म कर देंगे, यानी कि उसको जब्त कर लेंगे। व्हेन द एप्लीकेंट विड्रॉल द मॉडिफाइज एंड द प्रपोजल ऑफ द एप्लीकेशन, अगर आप अपने प्रपोजल को सबमिट करने में कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो, जोड़ तोड़ करते हो, घटाते बढ़ाते हो, तो भी आपका 50,000 गया।
नेक्स्ट, व्हेन द एप्लीकेंट डज नॉट डिपॉजिट द परफॉर्मेंस गारंटी फ्रॉम द बैंक गारंटी बिफोर द एग्रीमेंट ऑफ साइन, अगर आपने MOU साइन कर दिया लेकिन आपने EMD इनको नहीं दी 25 लाख या 50 लाख, तो आपका पैसा गया. रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल एंड अकाउंट ऑफ करप्ट एंड द फ्रॉडेंशियल पार्टी से द आउटलाइन इन द केस ऑफ ये, अगर आपका टर्नओवर से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी फॉर्जरी पाई जाती है तो केस नंबर 5.1, 5.2 के हिसाब से आपका पैसा खत्म. नेक्स्ट, वैसे भी आपको 2 साल तक नहीं मिलना है, वो नहीं देते हैं. जहाँ देने की बात आती, लेने की बात पे वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर. नेक्स्ट आते हैं सबमिशन एंड सीलिंग द मार्केटिंग. ये तो इनका अपना तरीका है कि 3 Xerox कॉपी दीजिए, 1 ओरिजिनल कॉपी दीजिए, सब में सील स्टैंप लगा के दीजिए, ठीक है. और सबसे पहले तो ऊपर EMD लगाइए, उसके ऊपर आप जो 5,000 रुपये की फ़ीस जमा की है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाइए, ठीक है. क्योंकि सबसे पहले तो पैसा है, क्योंकि देना बाद में है लेना पहले है, तो इस हिसाब से सॉरी मैं मजाक के उसमें कह रहा हूँ. आप देख लीजिए सबसे पहले, इन्होंने मैंने कहा है आप देख लीजिए, इन्होंने बोला है द साइन प्रपोजल सेड बी मार्क्ड ओरिजिनल, एक ओरिजिनल आपको चाहिए एट इट्स कॉपी मार्क्ड कॉपी, ठीक है. ऑल कॉपी सेल बी मेड फ्रॉम द साइन ओरिजिनल एंड सेल बी स्टैम्प्ड ऑफ ईच पेज, ठीक है. ईच पेज पे साइन होना चाहिए. इफ देयर आर डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ओरिजिनल एंड द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सेल बी प्रिवेल, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत पाई गई तो आपका RFP कैंसिल, ठीक है. द ओरिजिनल ऑफ 3 कॉपी, ये देखिए मैं तो कह रहा था ये आ भी गया, 3 कॉपी ऑफ प्रपोजल अलॉन्ग विद द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है. सेल बी प्लेस्ड इनसाइड द सील एनवलप क्लियरली मार्क प्रपोजल फॉर इंपैनलमेंट एज स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर. ये बार बार ये वर्ड मेरी आंखों में लग जाता है, स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर क्या मतलब होता है भाई. अगर वो स्टार्टअप कर रहा होगा ट्रेनिंग प्रोवाइडर, तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अगर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो स्टार्टअप कहाँ से हुआ, मुझे तो नहीं पता भाई, आप लोग बता सकते हो, ठीक है. अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ अनसाइंड प्रपोजल इन द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सेल बी सबमिटेड इन CD. CD का जमाना चला गया भाई. विच सेल बी इनक्लोज्ड इन द स्केल्ड एनवलप लॉन्ग विद द ओरिजिनल एंड 3 कॉपी ऑफ द प्रपोजल मेंशन इन केस 10.6. 10.6 के हिसाब से देना है. कुल मिला के आपको 3 फोटोकॉपी अपनी फाइल की, इतनी मोटी मोटी, उसके बाद एक ओरिजिनल बना के दे दीजिए. और सब मेन है आपकी DD होनी चाहिए, आपकी ये मतलब क्या बोलते हैं RFP फीस जमा होनी चाहिए, ये मेन है. बाकी आपकी फाइल होनी चाहिए, ठीक है. ये बाकी इनकी कहानी अपनी अलग है. प्रपोजल आपका इवेल्युएशन कैसे होगा, इन्होंने बोला है, वो तो खैर अपना इवेल्युएट कैसे करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए. अब इलिजिबिलिटी, आपकी कंपनी इलिजिबल कैसे होगी, उसकी गारंटी मतलब उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैं बता दूं आपको. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर होनी चाहिए. रजिस्टर्ड, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP हो, ठीक है, अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2002 के हिसाब से हो. प्रोप्राइटरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड लेस देन 10 ईयर पीरियड टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रपोजल विद इन अ लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अब भाई कोई कंपनी 3 साल पहले अगर बनी होगी तो कहाँ आ पाएगी इसमें, इस हिसाब से, ठीक है. ये प्रोप्राइटर फर्म ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड लेस देन 10 ईयर पीरियड, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लो भाई किसकी क्या क्या कंपनी है, कैसे लगाना है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी टू नीड टू बी सबमिटेड, भाई ये तो मान लो जरूरी है ही है. फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, शुड हैव टर्नओवर ऑफ मिनिमम 25 लाख. 25 लाख आपके पास टर्नओवर मिनिमम होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 फ्रॉम द एक्टिवली विच द कंसर्न सेटअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड इन, ठीक है. द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सबमिट ऑडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट एंड रिस्पेक्ट टू द अबव मे इट बी कंसर्न टर्नओवर. ये मतलब आप समझ लीजिए 25 लाख आपका टर्नओवर होना चाहिए मिनिमम 21-22 में, ठीक है, आप अगर स्टार्टअप कंपनी है तो. टेक्निकल कैपेबिलिटीज़,
ठीक है, ये इसमें कुछ खास नहीं है, खास क्या मैं बात को बता देता हूँ, द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी आइदर अदर, ये तो आप भी पढ़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं, TOT आपका होना चाहिए ट्रेनर, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्म रोल एज पर द स्पेसिफिक, ये तो वही सारी कहानी, ये तो भाई हम लोगों को पता है, ट्रेनिंग पार्टनर जो होंगे, द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव TOT सर्टिफिकेट ट्रेंड एंड देयर इज रोल सेलेक्ट जॉब रोल्स CV एंड द ट्रेनी विज योर TOT सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बिली, ठीक है, अपेंडेड विद द प्रपोजल। अब भाई TOT भी चलो ये भी देख लिया जाएगा, एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी ब्लैक लिस्टेड, ठीक है, नहीं होगा, ओनली NSQ ऑफ असाइंड जॉब रोल्स वुड बी परमिटेड टू चूज ट्रेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब आ जाइए इनका जो मैट्रिक्स है कि जिसके हिसाब से ये आपको बताएंगे कि आप जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे, कि क्या है कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं इनका लीगल स्टेटस क्या है, 22 नंबर का है लीगल स्टेटस इनका, 10 और 12 का। अब इसमें से क्या क्या है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर, मेन बिजनेस, बैकग्राउंड एंड STPs, ठीक है, मेन बिजनेस है आपका, बैकग्राउंड ऑफ द STP है। अब उसमें से आपकी मार्किंग है, पैसे, मेन बिजनेस यानी कि आपकी जो कंपनी है पर्टिकुलर स्किलिंग पर ही काम करती है या उसके साथ साथ अपना कुछ और काम करती है, उसके हिसाब से है। तो सबसे पहले नॉन स्किलिंग, नॉन एजुकेशनल, ठीक है, जो आपकी स्किलिंग में काम नहीं करती है, एजुकेशन में काम नहीं करती, उसको 2 नंबर मिलेंगे। नॉन स्किलिंग एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, तो उसमें 5 नंबर मिलेंगे। स्किलिंग नॉन एजुकेशनल, ठीक है, स्किलिंग में करते हैं पर नॉन एजुकेशनल है, वो 10 नंबर का है। स्किलिंग एंड एजुकेशनल दोनों में है तो भाई 12 नंबर, खुशी हो जाओ आप, ठीक है। करंट स्टेटस ऑफ ऑपरेशन, करेंटली क्या है, अदर देन उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश से अलग काम करते हो तो 4 नंबर, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट में काम करते हो तो 8 नंबर, उत्तर प्रदेश ओनली करते हो तो 10 नंबर। ये नहीं समझ में आया हमको भाई, अदर देन उत्तर प्रदेश तो ठीक है, चलो 4 नंबर, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हम उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और अलग भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें 8 नंबर, लेकिन अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं तो 10 नंबर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देख लीजिए आप किस में फॉरफिटेड हैं। टेक्निकल कैपेबिलिटी 18 मार्क की है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन स्किल डेवलपमेंट, अगर आप स्किल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 2 ईयर 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, सॉरी 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 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, 2 से 3 साल है तो 3 नंबर, 3 से 5 साल है तो 4 नंबर, और 5 साल से ऊपर है तो 5 नंबर। तो इसमें भाई स्टार्टअप कहाँ रहा, ठीक है, स्टार्टअप के लिए आपने दे तो दिया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया है 2 नंबर का, तो एक चीज बताइए, अगर और कहीं कम ज्यादा हुआ तो बेचारा तो चला गया, इसका मतलब ये तो सबके लिए है, तो स्टार्टअप वर्ड हुआ नहीं कहीं। खैर नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ ट्रेनीज गवर्नमेंट फंडेड होना चाहिए तो 250 से ज़्यादा या कम, 250 से कम तो 3 नंबर, 250 से ज़्यादा है तो 5 नंबर, ठीक है। आपका प्लेस कैंडिडेट 125 से कम है तो 4 नंबर, 125 से ज़्यादा है तो 8 नंबर। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल 21-22 में आपका 25 लाख से 35 लाख है, अगर 25 लाख मिनिमम मांगा गया है, मैक्सिमम 35 लाख, अगर आपका 25 से 35 है तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 36 लाख से 45 लाख है तो 6 नंबर मिलेंगे, 46 लाख से 50 लाख है तो 8 नंबर, मोर देन 50 लाख 10 नंबर्स। तो भाई एक चीज़ आप बताइए, 25 लाख आप मिनिमम बड़ा बड़ा पीछे लिख रहे हो तो उसको 4 नंबर दे रहे हो बेचारे को, फिर इसमें आप कह रहे हो कि 2 साल का होगा तो 2 नंबर दे रहे हो, तो वो तो बेचारा ऐसे उसके नंबर चले गए तो फिर बाकी कहाँ वो पूरा करेगा, ये तो कंपटीशन बढ़ जाएगा फिर वो कहाँ, एक मतलब मेन फोकस खैर EMD पे है, वो अपनी बात है। और इसमें आपने लिखा भी है कि ओनली दोज प्रपोजल वुड क्वालिफाई फॉर इम्पैनलमेंट दैट सिक्योर मिनिमम 35 मार्क्स अगेंस्ट द अबव, ठीक है, 50 में से 35 आपको लाना है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 नंबर हो गया आपका, 25 लाख का आपने टर्नओवर अगर मांगा है तो 250 से कम ही होगा उसके पास, तो 3 नंबर हो गया, तो 4 3 7 नंबर हो गया, 7 4 11 नंबर हो गया, 11 11 2 13 नंबर हो गया, 13 में आपका
यूपी का अगर नहीं हुआ, बाहर का हुआ, तो बेचारा 4 नंबर लेके आएगा, तो 13 4 17 हो गया, और 17 में से बेचारा अगर कहीं से मान लो मैक्सिमम लेके भी आ गया, 12 नंबर ही लेके आ गया, स्किलिंग एंड एजुकेशन का हो गया, तो 12 24 25 नंबर, तो तब भी 35 नहीं ला पा रहा स्टार्टअप वाला। तो भाई इसको थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। बाकी आप लोग ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए है कि एक बार ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो 50,000 आपके घर से चले जाएंगे सर। बहुत ध्यान से करिएगा, 50,000 भी नहीं गए तो वो तो मान लीजिए 2 3 साल बाद मिलेगा, लेकिन 5,000 तो तुरंत चले गए। ठीक है, आपका इन पैनल नोट ऑफ ये हो गया आपका। अब ये देखिए सबसे बड़ा तो ये मतलब समझ में नहीं आता, जिसके पास 25 लाख या 50 लाख रुपए होगा वो भाई इस RFP के लिए क्यों परेशान होगा, वो फिर सीधे जाके NSDC पार्टनर बन के अदर स्टेट्स में भी काम कर सकता है या और भी काम कर सकता है, अपना एक दुकान खोल के बैठ जाएगा। वो तो सारी बात है, जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, जो NGO है, जो सोशली वर्क करते हैं, जो इन बच्चों के लिए काम करते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो खैर वो आपका भाई, ये मेरा अपना व्यू है, आपका अपना अलग अलग हो सकता है। अब इनका सीधा कहना है कि 500 नंबर आपको चाहिए 50 लाख दीजिए, और 2500 250 नंबर चाहिए तो 25 लाख दीजिए। ओवरऑल अगर कैलकुलेट करते हैं ऑन एन एवरेज, तो अगर हम 25 लाख रुपए दे देते हैं आपको, यानी कि UPSDM को अगर हम 25 लाख दे देते हैं स्टार्टिंग में, और जैसा कि इनका कहना है, आगे देखते हैं, आगे मैं बताऊंगा, BG शैल बी फॉरफिटेड इन द फॉलोइंग केस अनलेस डिसाइडेड ओवर व्यूज बाई UPSDM, यानी कि इसमें भी कंडीशन है कि आपका 25 लाख 50 लाख फॉरफिट हो सकता है, जरूरी नहीं वापस होगा, फॉरफिट हो सकता है। किस केस में? व्हेन STP इज डी इंपैनलमेंट, अगर आप काम बीच में रोक देते हो या डी इंपैनल्ड हो जाते हो, केस ऑफ 35। 35 को पढ़ना पड़ेगा कि किस केस केस में हो जाते हो, तो आपका पैसा चला गया। व्हेन द STP फेल्स टू प्रोवाइड एनी ऑफ द सर्विसेज एज स्पेसिफाइड इन द RFP, अगर आप काम नहीं करते हो या कहीं चीज में गड़बड़ करते हो, तो आपका पैसा गया। विद इन द टाइम फ्रेम प्रोवाइड इनहेंस, ठीक है, आपका वर्क हो गया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एलोकेशन, अगर आप 30 दिन के अंदर आपका जो टारगेट अलॉट हुआ है और 30 दिन के अंदर आप काम नहीं करते हो, उसको फुलफिल नहीं करते हो, तो आपका पैसा गया। वो 14.2 में आपको पढ़ लेना है। स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग एट 50% ऑफ टारगेट, ठीक है, बेनिफिशरीज विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एलोकेशन, यानी कि 50% टारगेट आपको 15 दिन के अंदर पूरा करना है, उसके बाद जेन्युइन काम भी करना है। समझ में नहीं आता है कि भाई 15 दिन में वो कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाएगा कि वो बच्चों को जेन्युइन कैसे कर पाएगा, अगर प्रोडक्टिव काम करना है तो, प्रोडक्टिव काम करना है उसके लिए 15 दिन में कैसे कर सकता है। ठीक है चलो भाई, हो सकता कर ले, टीम अच्छी हो, ठीक है। फॉरफिटेड द बैंक गारंटी वुड बी सब्जेक्टेड फॉरफिटेड अंडर एनी ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है, फेलियर ऑफ स्टार्ट ट्रेनिंग एट 100% और टारगेट सेंटर विद इन 30 डेज, अब 30 दिन में 100% अगर टारगेट पूरा करके ट्रेनिंग नहीं शुरू किया, तो फिर भैया गया आपका पैसा। ठीक है वो आप समझ लीजिए। ठीक, अब देखो भाई लिखा है नो इंटरेस्ट विल बी पेड बाई UPSDM ऑन द अमाउंट ऑफ EMD और PVG। अब भाई अगर आप 25 लाख 50 लाख रुपए आप UPSDM को देते हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो बैंक में रखा है, इससे अच्छा UPSDM को दे दें और मेरा मंथली ब्याज मिलता रहेगा, तो ये आप भूल जाइए। उनका कहना है कि हम आपको 1 रुपया ब्याज नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपने उनको दिया है। तो ये आप सोच समझ के दीजिएगा, अगर आप 25 लाख रुपए आपके पास है तो बैंक में अगर रखते हैं, तो 6% के हिसाब से हो गया कितना होता है, 25 छक्का, यानी कि लमसम 7 लाख के आसपास है आपको ब्याज व्याज आने का है। इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 6,000 और 1 लाख का 6,000 मिलेगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए, हो सकता है हम गलत बोल दें, तो 25 × 6,000 कर लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है 1 वीक नोटिस विल बी गिवेन टू द STP बिफोर PVG। अब ये भी इन्होंने ये अच्छा काम किया। खैर जब ये आपकी बैंक गारंटी को फॉरफिट करेंगे, यानी कि उसको
वापस ले लेंगे, आपको नहीं देंगे तो वो 1 हफ्ते पहले आपको बता देंगे, जिससे आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं अपना इंश्योरेंस वंश्योरेंस करा के रखें कि वो आपका पैसा फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है। फॉरफिट द बैंक गारंटी शुड बी शुड विदाउट विदाउट प्रोसिक्यूशन, और थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, टू एनी अदर और राइट UPSGM क्लेम एनी डिमांड एंड एफ्यूशन, ये ठीक है। मतलब कुल मिला के पैसा आपका चला जाना है, स्कोप ऑफ वर्क, मतलब अगर गलत काम करते हैं तो, ऐसे नहीं, इतने बड़ी लोग काम कर रहे हैं, इतने ट्रेनिंग पार्टनर्स तो ऐसे नहीं लेंगे। अगर आप कोई गलत काम करते हो, मोबिलाइजेशन, प्री काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, अवेयरनेस, वो आप सबको पता है कैसे कैसे करना है, वो आप पढ़ लीजिए, मैं मेन मेन बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग आपको कैसे देनी है, ठीक है, वो भी आपको कराना है। अब इन्होंने एक चीज़ और अच्छा किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ की है, वुड नीड टू इंस्टॉल लेटेस्ट आधार एंड GPRS इनेबल बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक से आपकी अटेंडेंस लगेगी, डिवाइस और एनी अदर अप्रोप्रिएट डिवाइस डेवलप्ड इन NIC, ठीक है। ये तो आपको पता है कि बिना अटेंडेंस के कुछ नहीं हो सकता है, इंश्योरिंग एडुकेट, ठीक है, वो आपको सब NSQF के हिसाब से सारा ट्रेनिंग कराना है, OJT करानी है, ठीक है, आपका सब जो भी वो कहते हैं ट्रेनिंग की वो करानी पड़ेगी। सेंटर्स में आपका, ठीक है, सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, CCTV मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट होना चाहिए भाई, अल्टरनेट पावर बैकअप होना चाहिए, LCD होनी चाहिए, क्लासरूम इंटरनेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप टर्म्स और कंडीशंस जो हैं ये आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, और इसको करना भी चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट बच्चे की बात है, बच्चे को जब आप अच्छी ट्रेनिंग दोगे तो ही वो ग्राउंड पे आपको मान सकता है और आपकी इज्जत कर सकता है, क्योंकि अगर आप, यही मेन है, जो अगर हम इसको, अगर इसमें कहीं गलती करेंगे तो हमारी गलती होगी, ठीक है। पोस्ट प्लेसमेंट काउंसलिंग एंड ट्रैकिंग द कंडीशन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर प्लेसमेंट, द प्रोविजन टू बी कॉमन नॉर्म्स इन रिगार्ड्स द पोस्ट ऑफ प्लेसमेंट काउंसलिंग एंड ट्रैकिंग सेल अप्लाई, दीज नॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है, वो आप समझ लीजिए पोस्ट प्लेसमेंट का कैसे क्या क्या सीन है वो आप सब समझ लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, फैसिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन के बारे में लिखा है। अब ये मेन जो आपके काम की चीज़ है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब ये देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है प्लेसमेंट अचीवमेंट, 70%, 100% फुल ट्रांची इंस्टॉलमेंट लिंक टू प्लेसमेंट पे आउट। इनका कहना है कि 70% अगर आप प्लेसमेंट देते हो विथ ट्रैकिंग रिकॉर्ड तो वो आपको 100% फुल पेमेंट करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आज तक कभी किसी ट्रेनिंग पार्टनर्स को नहीं मिली है, 100% पेमेंट, लेकिन ये कमिट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 40-70% अगर आप करते हो तो प्रो रेट बेसिक मिलेगा, आपका बिलो 40% है तो निल रहेगा, ठीक है, पेनाल्टी एज पर स्कीम गाइडलाइन, बाकी वो आपका फॉरफिट हो जाना है, आप समझ लीजिए, तो वो आप याद रखिएगा, 25 लाख और 50 लाख रुपए, ठीक है। तो गलती इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत सोच समझ कर RFP लगाइएगा, ठीक है। अब इन्होंने देखिए आपका जो सारी चीज़ें हैं, पेमेंट आप कैसे करोगे, कैटेगरी 1 के लिए 49 रुपये पर घंटे के लिए मिलेगा, कैटेगरी 2 42 रुपये देंगे, और कैटेगरी 3 35 रुपये 10 पैसे देंगे। तो इस हिसाब से जॉब रोल को आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। आप अच्छे जॉब रोल सेलेक्ट करिए, ज़्यादा घंटे वाले सेलेक्ट करिए, लेकिन वो सेलेक्ट करिए जो वाकई में आप करा सके, जिसके इक्विपमेंट सस्ते पड़े, बहुत ज़्यादा महंगे ना पड़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि घंटों के चक्कर में, ज़्यादा घंटों के चक्कर में आप ऐसा जॉब रोल सेलेक्ट कर लें जिसके इक्विपमेंट ही बहुत महंगे आते हो। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी उसके भी सारी चीज़ें हैं। अब इन्होंने हॉस्टल फैसिलिटी के लिए इन्होंने डिसाइड कर दिया है, एक्स कैटेगरी के जो सिटी और टाउन है उनको 375 रुपये पर डे का मिलेगा, वाई कैटेगरी के सिटी टाउन पर डे ट्रेनिंग का है 315 मिलेगा, जेड कैटेगरी का है 250 रुपये मिलेगा, रूरल के लिए 220 मिलेगा। और ये आप कहोगे कि ये कैसे कैटेगरी पता चलेगी, तो वो कैटेगरी इन्होंने दे रखी है, वाई कैटेगरी में आपका मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, ये सारी है, फिर झांसी, ये वाई कैटेगरी की हैं। इस तरह से इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, उस पे आप जाके
पता कर सकते हो। पेमेंट टर्म्स आपके कैसे रहेंगे सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए आपका और हम काम करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 30% मिलेगा ऑन साइन ऑफ एग्रीमेंट एंड एनरोल ऑफ द कैंडिडेट्स। आप MOU साइन कर लेते हो, MOU साइन करने के बाद जब आप बच्चों को इनरोल कर देते हो 100%, यानी कि 250 का टारगेट मिला, आपने 250 इनरोल कर दिए, उसके बाद आपको 30%, यानी कि पूरे बैच का 30% आपको वो फर्स्ट ट्रांची आपको दे देंगे। ऐसा ये कमिट कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बजट आप अपने हिसाब से लेके चलिएगा क्योंकि बड़े पेमेंट्स होते हैं, टाइम लग सकता है। सेकंड है 40% कब मिलेगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन पेमेंट मेड फॉर नंबर ऑफ कैंडिडेट सर्टिफाइड देयर एडजस्ट द एडवांस पेमेंट। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि जब आप सर्टिफिकेशन उनका हो जाता है, बच्चों का असेसमेंट होगा, पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आपको वो 40% देंगे, जिसमें से जो बच्चे फेल हुए होंगे उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है तो आप गलत कैलकुलेशन मत कर लेना। तीसरा, थर्ड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के ही, क्योंकि आज तक किसी हिस्ट्री में ऐसा हमने नहीं सुना है कि किसी को ये 30% मिला है। खैर 20% होता था सेंट्रल NSDC के साथ, यहाँ 30% है, तो किसी को मिला हो तो भाई बताना जरूर कमेंट करके, लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो इसमें है ऑन 70% वेरीफाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आप 70% एम्प्लॉयमेंट दे देते हो, ठीक है, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 month डेस्क एंड वेरीफाइड प्लेसमेंट एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स, जो इनके नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 3 महीने का डेस्क, ठीक है, एंड वेरीफाइड प्लेसमेंट्स, ठीक है, उसको वेरीफाई इनका जो भी अपनी कंडीशन है उसको फॉलो करके 70% अगर आप प्लेसमेंट कराते हो तो 30% आपको मिल जाएगा। इसका कोई गारंटी मेरे पास नहीं है, ये भाई किसी को अगर मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसको अपने नोट कर लूँगा, और जिसको नहीं मिला है वो भी भाई अपना दुखती रख पे मैंने हाथ रख ही दिया है, तो आप भी कमेंट करके बता देना कि भाई आपको नहीं मिला है। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं, रिपीट इनरोलमेंट है, ठीक है, बाकी टाइमलाइन है, सारी चीज़ें हैं, आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, ये और बाकी बैच साइज इन्होंने दिया है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनीज और द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बैच शुड बी 15 and 27, कम से कम मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 27 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब एनुअल ट्रेनिंग टारगेट 500 का है, टारगेट एंड प्लेसमेंट 300। ठीक है, अगर आप 500 का टारगेट लेते हो तो 300 आपको प्लेसमेंट कराना है, अगर आप 300 है, ठीक है, ट्रेन पास्ट असेसमेंट 300 पास होते हैं तो प्लेस कैंडिडेट 150। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज अचीव 60%, ठीक है, परसेंटेज अचीव 50%, ये आप समझ लीजिए इनकी परफॉर्मेंस कैसी, मैट्रिक्स कैसी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, वेटेज मार्क 50, ठीक है, 30, 30 दोनों के लिए है, 500 वालों के लिए 50, इसके लिए ये, ठीक है, टोटल है 75। ठीक है, इस हिसाब से अभी इनका देखिए, ये इन्होंने दिया हुआ है केस ऑफ डी इम्पैनलमेंट के लिए, जो आपको मैंने बोला था डी इम्पैनलमेंट कैसे होंगे 12.13 में। ठीक है, 81 से 100 हाई परफॉर्मेंस आपकी मानी जाएगी, 61 से 80 आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मानी जाएगी, 41 से 60 नीड इम्प्रूवमेंट है, और 40 से कम तो पुअर है। अब इस हिसाब से आप पढ़ लीजिए 30.35.2 में कि आप कहाँ पे डी इम्पैनलमेंट हो रहे हो। ठीक है, शैल बी टेस्टेड एज़ अ प्रूफ परफॉर्मेंस इमीडिएटली डी इम्पैनल, अगर आप 40% से कम परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आप डी इम्पैनलमेंट तुरंत हो जाओगे बिना किसी रुके हुए। 40 से 60 आप चल रहे हो तो कैटेगरी तो नीड इम्प्रूवमेंट, सच STB अचीव स्कोर मोर देन 60 विद इन नेक्स्ट 3 months और LS डी इम्पैनलमेंट, आपको 60 दिन मतलब टाइम मिलेगा आपको इसको इम्प्रूव करना होगा, नहीं तो आप डी इम्पैनलमेंट हो जाओगे ऐसे ही। और इन द इवेंट ऑफ डी इम्पैनलमेंट एंड स्टार्ट अबव द एंट्री BG अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड ऑफ एनी एडवांस दैट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द STP बेसिक ऑफ PBG है। सॉल्व भाई, इसको बहुत ध्यान रखना, PBG ये बहुत बड़ा वर्ड है, अगर कुछ भी गलती की तो आपका पैसा गया, तो इसलिए बहुत सावधानी से आप जुड़िए और फिर काम करिए।
विच अक्रॉस मोर देन 60 to 80, ये म्यूचुअल राइट, ये सारी चीज़ें हैं इनकी। बाकी तो सारी कहानी इनके अपने हिसाब से है, वो तो चलता रहेगा। उसके बाद इनका एनेक्सर आ गया, एनेक्सर हम लोग भरते रहेंगे और RFP को लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारी इनकी कंडीशंस है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, शब्द छुपे हो सकते हैं, उसको ढूंढना आपका काम है। इन्होंने ये सारे लिंक्स दे दिए हैं जिसमें से आप जाकर सेलेक्ट कर सकते हो कि NSDC की वेबसाइट दे दी, स्किल इंडिया की दे दी है और NQR की दे दी है, तो इसमें आप जाकर चीज़ों को देख सकते हो। अब यहाँ से आपका प्रपोजल बनाने का चालू हो गया है, आप इसको प्रपोजल बना सकते हो अपना, इसमें सारी चीज़ें आप भर सकते हो अपने जो भी इन्होंने बोला है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका है पावर ऑफ अटर्नी है, ये आपका फर्म के ओवरव्यूज़ हैं, ये आपका एलिजिबिलिटी का है, ये आपका प्लेसमेंट का और उसका है एम्प्लॉयर का है, ये आपका है जो आप फाइनेंशियल कैपेबिलिटी CA से आपको उसको देना पड़ेगा बना के, CA सर्टिफिकेट आपका देना है जो CA बना के देगा आपको, ठीक है। आपका प्लेसमेंट कैपेबिलिटी का वो आपको देना है अपने लेटर हेड पे, ये चीज़ें आपको सबमिट करनी है। अर्नेस्ट मनी, देखा मैंने बोला था सबसे पहले मांगते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन अ स्केल इन्वेलप, ठीक है, आपको इन्वेलप के अंदर देना है इज्जत के साथ। UTR रजिस्टर्ड पेमेंट, ठीक है, जो आपने 5,000 जमा किया है उसकी रसीद भी आपको लगानी है, ठीक है। फिर आता है काम की चीज़, प्रपोजल आपको कवर लेटर देना है, साइन प्रपोजल देना है, ठीक है, पावर अटर्नी का फर्म ओवरव्यू का एप्लीकेशन देना है, एलिजिबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, सेल्फ सर्टिफिकेट देना है CA का, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप्स के देने हैं, MOA LOA आपका अगर किसी के साथ है एम्प्लॉयर के साथ वो देना है, सेल्फ सर्टिफिकेट ब्लैक लिस्टिंग का देना है। ये सारी चीज़ आप देने के बाद परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है, वो लास्ट का पार्ट है, अगर आप इन पैनल हो जाते हो तो उसके बाद की ये सारी कहानी आती है। तो मेरे कहने का और इस वीडियो को बनाने का इतना सा मोटिव है कि कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर इस पे बात करिए और कुछ चीज़ें बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ओवरव्यू है कि भाई स्टार्टअप्स के लिए ये कंडीशन हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है कि भाई जिसके पास 25 लाख और 50 लाख रुपए एज अ बैंक गारंटी देना होगा, तो इस समय 4 सालों से ट्रेनिंग पार्टनर्स की ऐसी हालत है कि फिर वो अपनी एक दुकान खोल के बैठ जाएगा अगर ऐसे हर कोई करने लगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग काम करिए, लेकिन इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखिएगा कि जितनी भी पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं एक एक पॉइंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती की तो ये आपके 25 लाख रुपए जो बहुत मेहनत की कमाई है ये आपकी चली जाएगी। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ लोगों से भी और कंसर्न डिपार्टमेंट से भी कि प्लीज़ कंडीशंस ऐसी आप क्वालिटी में कंडीशंस रख सकते हैं, आप कंडीशन उस पर रखिए क्वालिटी में, लेकिन कम से कम ऐसी कंडीशन मत रखिए कि इंसान इंपैनल ही ना हो पाए, आपसे जुड़ ही ना पाए। दूसरी चीज़ है कि जो आपने लास्ट RFP कैंसिल की उसका भी आपने कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया, किसी का पैसा आपने 2 साल रखा हुआ है, आज तक रखा हुआ है, उसको आपने वापस नहीं किया, उसका कम से कम इतना तो राइट बनता है, उसने 10,000 रुपये आपको फीस दी है, उसको इतने राइट्स तो हैं कि उसका RFP कैंसिल क्यों हुई। और अगर आपने RFP कैंसिल की तो कम से कम वो 10,000 रुपये प्लस 1 लाख रुपये का ब्याज सहित आपको वापस करना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपको बातें मेरी बुरी भी लग सकती है, लेकिन जो पैसा खर्चा करता है, जिसका पैसा जाता है उसको बुरा लगता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जितने भी मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबका ये रिक्वेस्ट था कि मैं उनके बिहाफ पे बात करूं, तो इसलिए मैंने बोला और अपना वीडियो बनाया। आप सबका जो भी व्यूज़ हो वो कृपया करके कमेंट करें और अपनी बातें बताएं कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। और अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं छोटे ट्रेनिंग पार्टनर्स को ख़त्म करने की बात है, तो मुझे लगता है कि हम सबको एक होना पड़ेगा और मिलकर गवर्नमेंट से अपनी बात को रखना पड़ेगा कि
कृपया करके हमको भी सेवा करने का मौका दें, काम करने का मौका दें, जिससे कि 10 लोगों की और भी रोजगार चल सके। हमारे सारे ट्रेनिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे पास टारगेट नहीं है पिछले 4 सालों से। तो प्लीज़ मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर।